हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। चीजल का सेकेंड पार्ट है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना? लाइक शेयर कर दीजिए। हार्ट चीजल से गर्म जाप को काटते समय चीजल को पानी में बार बार ठंडा किया जाता है, ठीक है ना? मैंने पिछली क्लास जब पढ़ाई थी तो मैंने इसमें लिखा था बार बार ठंडा किया जाता है, ठीक है ना? तो फ्लो फ्लो में मैं पानी लिखना भूल गया था, क्योंकि वीडियो अपलोड हो रही थी। तो मैंने कहा कि मैं अगली क्लास में बता दूंगा आप लोग को, ठीक है ना? तो ये देखिए, मैंने यहाँ वहां पर लिखा, हार्ड चीजल से गर्म जाप को काटते समय चीजल को बार बार पानी में ठंडा किया जाता है, इसलिए उसे हार्ड एंड टेम्पर की आवश्यकता नहीं होती हार्ड चीजल को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक चीजल मेरा बचा था उसमें, ये चीजल काऊ माउस चीजल, ठीक है ना? काऊ माउस चीजल का प्रयोग बहुत ही खुज देता है कभी कभी, इसलिए आवश्यकता थी, ठीक है? कास्टिंग करने के बाद रफ स्पॉट स्पॉट्स को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? पहले ऑप्शन में रख सकता है, ये कभी नहीं पूछा गया, मगर हो सकता पेपर को कठिन बनाने के लिए पूछ दे। रिवेट के हेड को साफ करने या रबड़ के वाशर काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फोर्जिंग कोड देख लीजिए, इसका फोर्जिंग कोड जो होता है 25 होता है, ठीक है? अब आ जाइए चीजल का कटिंग एंगल पर आ जाइए, ठीक है ना? अब चीजल का जो कटिंग एंगल होता है फ्लैट चीजल के लिए जो होता है, एकदम इसी तरह ग्राफ बना लीजिएगा, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ये प्रश्न बन जाता है आपको, ठीक है ना? फ्लैट चीजल का जो स्टील के लिए होता है 70, कास्ट आयरन के लिए होता है 60, कापर व ब्रास के लिए होता है 45, एल्यूमिनियम जिंक के लिए जिंक और एल्यूमिनियम के लिए होता है 35, ठीक है ना? क्रॉस कट चीजल को गैप चीजल भी कहते हैं, याद रखिएगा। स्टील के लिए 70, कास्ट आयरन के लिए 60, कॉपर व ब्रास के लिए 45, जिंक व एल्यूमिनियम के लिए 35। डायमंड पॉइंट चीजल का स्टील के लिए 60, कास्ट आयरन के लिए 60, कॉपर व ब्रास के लिए 60, जिंक व एल्यूमिनियम के लिए 60, ठीक है ना? अब देखिए हाफ राउंड चीजल, स्टील के लिए 45, कास्ट आयरन के लिए 45, कॉपर व ब्रास के लिए 45 और जिंक व एल्यूमिनियम के लिए 45, ठीक है? यहाँ तक मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पूरी समझ के आई होगी। आप थोड़ा सा एक लिख लीजिए, बहुत ज्यादा मैंने पेपर दिया है और वहां पूछा जाता है, वीडियो को होल्ड करके और तुरंत नोट करिए आप लोग, ठीक है ना? फिर मैं लिखता हूँ, आगे मिटाता हूँ, ठीक है? इसमें लिखिए तुरंत, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है जो लिखाने जा रहा हूं, ठीक है? और बहुत जल्दी लिखाऊंगा, ठीक है? काटे जाने वाला पदार्थ, ठीक है ना? काटे जाने वाला पदार्थ, पदार्थ को पदार्थ लिख लीजिए चाहे मेटल लिख लीजिए, मेटल, ठीक है? उसके बाद लिखिए झुकाव कोण, ठीक है? झुकाव कोण हो गया। अब लिखिए हाई कार्बन स्टील, इसको हल्के मत लीजिएगा, ये पेपर में आ चुका है, ठीक है ना? हाई कार्बन स्टील के लिए लिख लीजिए 39.5 अंश, ठीक है? ये पेपर में आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। कास्ट आयरन के लिए लिखिए, कास्ट आयरन के लिए लिख लीजिए, कास्ट आयरन के लिए 37 अंश, ठीक है ना? झुकाव कोण है, याद रखिएगा। अब है इसके बाद है माइल्ड स्टील के लिए, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए लिख लीजिए 34.5 अंश, 34.5 अंश, ठीक है? अब लिख लीजिए पीतल के लिए लिख लीजिए झुकाव कोण जो होता है 32 अंश, ठीक है ना? बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ऐसा। तांबा के लिए लिख लीजिए, तांबे के लिए हो जाएगा 45 अंश, ठीक है ना? 45 अंश।
एल्युमिनियम के लिए हो जाएगा लिखिए, एल्युमिनियम के लिए लिखिए। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ये बाइसंस, ठीक है ना, याद रखिएगा। पेपर में कहां कहां कौन कौन क्वेश्चन आया, इसमें हमने ये वाले प्रश्न में आ चुका है, माइज स्टील वाला आ चुका है, और हाई कार्बन स्टील वाला आ चुका है, और ये आपका तांबे के लिए आ चुका है। मैंने जहां जहां पेपर दिया, ठीक है ना, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट माइज स्टील वाला रखता है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट 34.5 एकदम पेपर में आ चुका है, इसलिए आप लोग इसको एकदम नोट कर लीजिए। और इसके बाद, ठीक है ना, चीपिंग ऑपरेशन जो होता है फिगर के साथ आएगा, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है फिगर बनाने में, मैं तुरंत लेके आ रहा हूँ, तब तक ये आप नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मित्र, हम लोग देखिए चीजल पढ़ रहे थे, चीजल में चीपिंग ऑपरेशन समझना जरूरी है, क्योंकि चीपिंग ऑपरेशन से प्रश्न एक दो बन ही जाता, क्वेश्चन बचता नहीं है। यदि किसी वर्कशॉप में आप चाहे हम चाहे अन्य कारीगर वर्क कर रहे हैं तो किसी जॉब पर, अधिकतर हम लोग माइल स्टील पर चीजल और हैमर से यदि चीपिंग कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई वर्किंग सरफेस होगा, उसी को कार्यकारी सतह या वर्किंग सरफेस बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने कोल्ड चीजल पर, समझिएगा बहुत अच्छी तरह बताएंगे, कंसंट्रेट करके समझिएगा, एक बार में आप लोग पकड़ लेंगे, 5 मिनट में समझा लेंगे। देखिए, चीजल का ये कटिंग एज है, निचला कटिंग एज इसको बॉटम फेस बोलते हैं, और ये कटिंग एज ऊपर का है तो इसको टॉप सरफेस बोलते हैं। ये कटिंग एज जो है नीचे वाला, इसको इंग्लिश में बॉटम फेस बोलते हैं, जिसको हिंदी में निचली फलक बोलते हैं। ऊपर वाले को टॉप फेस बोलते हैं, कटिंग एज का जो ऊपर वाला होता है उसे टॉप फेस बोलते हैं, जिसको हिंदी में शीर्ष फलक बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि अब यहां तक हम लोग को पिक्चर क्लियर हो गई कि ये चीज और ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग वर्किंग सरफेस से और बॉटम फेस मतलब निचली सतह के बीच में मेरा क्लियरेंस एंगल बनता है, ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए, रेक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा, कटिंग एज की टॉप सरफेस कार्यकारी सतह, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्किंग सरफेस, के लंबवत रेखा को रेक एंगल बोलते हैं। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब पॉइंट एंगल और कटिंग एंगल को समझिएगा, ये दोनों एक ही चीज है, बस धातु के अनुसार चेंज होता रहता है, जैसे माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, ब्रास, ये सब इसी के अनुसार इसका एंगल चेंज होता रहता है। यहाँ तक समझ के आ गए होंगे। अब ये मैंने जो ये इसको दर्शाया अल्फा बीटा गामा, ये इसको सेंटर लाइन है, ये जो 20 से जा रही है सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से और वर्किंग सरफेस मतलब कार्यकारी सतह, ठीक है ना, कि जो बीच कोण बनता है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब झुकाव कोण बोलते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं, अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। रेक कोण निम्न के बीच बनता है, ठीक है, रेक कोण तो सीधे सीधे मैंने बताया आपको, कटिंग एज की टॉप सरफेस ओके, फाइनल पहले ही बता दिया था, कटिंग एज की टॉप सरफेस एवं कार्यकारी सतह के लंबवत रेखा, एवं कार्यकारी सतह मतलब वर्किंग सरफेस के लंबवत रेखा को रेक एंगल कहते हैं। कोई डाउट नहीं होगा, मुझे पता, मुझे आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। किसी चीजल का क्लियरेंस एंगल निम्न के बीच का कोण होता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग दोस्त देखते हैं, क्लियरेंस कह रहा है कटिंग एज की निचली फलक मतलब बॉटम फेस, ये जो है कटिंग एज की बॉटम फेस, ठीक है, और एवं कार्यकारी सतह को हम लोग क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। यहाँ तक एकदम 100% क्लियर, कोई टेंशन है, दोनों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन एकदम नोट करते चलिएगा, ठीक है। कटिंग एंगल, कटिंग पॉइंट का बीच का कोण जो होता है,
समझ लीजिएगा, कटिंग कटिंग एंगल पॉइंट एंगल का बीच का कोण, देखिए टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के बीच के कोण को ही पॉइंट एंगल और कटिंग कटिंग एंगल कहते हैं, समझ लीजिएगा कैसे। अब आते हैं कटिंग एज का शीर्ष फलक। शीर्ष फलक का मतलब टॉप फेस होता है एवं निचली फलक का मतलब बॉटम फेस के बीच का कोण को ही हम लोग पॉइंट एंगल और कटिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, भी क्लियर हो गया। हम एक प्रश्न बनता है पेपर में जरूर आता है, और आ गया तो इसी से मेरिट बन जाएगी आपको। थोड़ा सा समझिएगा, चिपिंग करते समय यदि क्लियरेंस एंगल 10 हो, अब देखिए प्रश्न, चिपिंग करते समय यदि क्लियरेंस एंगल आपका कितना हो, 10 हो, 10 अंश हो, बात समझिए, और चीजल का कटिंग एंगल 60 हो, कटिंग एंगल भैया यहां से यहां तक की बात हो रही है 60 हो, ठीक, तो रेक कोण बताइए, और रेक कोण कहां बन रहा है, कार्यकारी सतह के लंबवत की रेखा को बन रहा है, तो इसके मतलब ये एंगल कितना होगा मेरा, 90 अंश होगा। नहीं विश्वास है तो हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं 90 कैसे होगा। देखिए 60, एक बात नोट कर लीजिएगा, क्लियरेंस एंगल प्लस पॉइंट एंगल प्लस रेक एंगल बराबर 90 अंश होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा जी, क्लियरेंस एंगल और इसके बाद आपका हो जाएगा ये पॉइंट एंगल बराबर 90 और रेक एंगल बराबर 90 अंश। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, या आपके दिमाग में ये देखिए स्क्वायर बन रहा है तो 90 अंश हो जाएगा, और 90 अंश हो जाएगा तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 60 प्लस 10 70, और 70 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो ये 20 90 हो जाएगा। ठीक, ये समझाने के लिए, मगर इसका उत्तर क्या होगा अब निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्लियरेंस आपको कितना हो जाएगा, ये क्लियरेंस दे रखा है हमको 10, ठीक है, और कटिंग एंगल कितना दे रखा है प्लस 60 बराबर कितना हो गया 70 अंश। ठीक है, और टोटल हमारा कितना एंगल है, रेक एंगल हमारा 90 है, तो 90 में से कितना घटाएंगे 70, तो आएगा कितना 20, ये आंसर है, छाप लीजिए। एकदम यही पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। दोस्तों ये जो है प्रश्न नीचे दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने लिख दिया इसको, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ये देखिए सेंटर लाइन हो जाएगा, ये क्लियरेंस एंगल हो जाएगा, ये पॉइंट एंगल हो जाएगा, रेकॉर्ड बराबर होता है 90। ठीक है, अब धातु चीजल जो है धातु को नहीं काटती है, ठीक है ना, क्यों नहीं काटती है, झुकाव कोण कम होना, झुकाव कोण एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को ही झुकाव कोण कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जब झुकाव कोण कम हो जाएगा तो क्या होगी, चीजल स्लिप कर जाएगी मेरी, ठीक है, इससे नहीं कटेगा। क्लियरेंस एंगल कम हो जाएगा, मान लीजिए एक क्लियरेंस एंगल है, ये चीजल है, जब झुका के नीचे लाएंगे तो ये भी स्लिप कर जाएगी, धातु नहीं काटेगी, ठीक है ना। अब रेक एंगल क्या होता है, रेक एंगल अधिक होना, ये रेक एंगल है मान लीजिए, ये ऊपर का सिरा है, टॉप सरफेस है, तो टॉप सरफेस को जब अधिक होगा, जब इसको खिंचाव जब करके लाएंगे इधर, तो इसका रेक एंगल अधिक हो जाएगा, तब भी धातु को नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें। अब हम इसके बाद जो भी प्रश्न छूटे होंगे और रिविजन